हेलो लीब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लीब्रा है यानी तुला राशि है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी क्वार्टरली रीडिंग 2022 का। लव करियर से रिलेटेड हम ओवरऑल देखने वाले हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या मेजर चीज़ें होने वाली हैं। ओके, माइनर चीज़ें नहीं, हम यहाँ से मेजर चेंजेस देखने वाले हैं जिससे आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर कुछ बड़ा होने वाला है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो वो हम यहाँ से देखने वाले हैं। आपका कोई नौकरी लगने वाला है, एक सॉलिड कमिटमेंट वाला आपके पास एक ऑफर आने वाला है, एक प्रपोजल आने वाला है, आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, सो कुछ भी यहाँ से हो सकता है। जो भी हो, कुछ अगर बड़ा होने वाला है आपके लाइफ में इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, सो यहाँ से हम वही देखने वाले हैं। ओके, सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो। ओके, तो पॉजिटिव रहें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां पर है द मैजिशियन, द फूल, द टेम्परेंस। ओके, तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। तो यहाँ पर है टेन ऑफ वंड्स। तो यहाँ पर देखो, ये जो ज़ीरो है, पहले मैं बता दूँ, टेन अपने आप में ही एक फुलफिल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर जो ज़ीरो है, ये एक एंड को दर्शा रहा है। आप देख ही सकते हो, आप अपना बैग पैक करके कहीं से निकलने वाले हो, किसी सिचुएशन से निकलने वाले हो, आप उस सिचुएशन में दोबारा नहीं फंसने वाले हो। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी चीज़ का एंड हो रहा है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक वन है। सो ये जो वन है, ये एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो कोई न्यू साइकिल में आप लोग एंटर करने वाले हो, कोई नया रास्ता आप अपनाने वाले हो, किसी नए जगह पर आप जाने वाले हो। तो कुछ भी हो, यहाँ पर एक एंड है, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट भी है। सो दोनों एक साथ हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, एयर साइन जिम्नी लिब्रा एक्यूरियस हैं, और वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, और यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो यहाँ पर सारे के सारे साइन यहाँ पर मौजूद दिख रही हैं मुझे। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ का रीडिंग। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, सेवन ऑफ स्वर्ड्स है। आपके लिए अक्टूबर मंथ में जो मेजर चेंजेस होने वाले हैं, वो है मैजिशियन। तो आपका कोई बड़ा, कोई एक मेजर विश आपका यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। जिस चीज़ के लिए आप भगवान से बहुत दिनों से प्रे कर रहे थे, आपको वो चीज़ मिल नहीं रही थी। कुछ भी हो सकता है, किसी नौकरी के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, या फिर बिजनेस में ग्रोथ के लिए आप लोग प्रे कर रहे थे। सो कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ विश यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है अक्टूबर मंथ में। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अक्टूबर मंथ में आप जो भी करोगे, आप यहाँ पर साइलेंटली करते हुए दिख रहे हो। आप किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं करने वाले हो। आप सबके लिए एक मिस्ट्रियस पर्सन बन जाओगे। आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसी को कुछ भी नहीं पता होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट होगा।
सो यहाँ पर है एस ऑफ वंड्स। सो आपके दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आने वाले हैं, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, जिससे आप एक न्यू बिजनेस भी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो या फिर कोई नया नौकरी भी आप कर सकते हो। सो कुछ भी हो सकता है, कुछ न्यू अपने करियर के तरफ से कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हो आप लोग। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास कोई न्यू आइडियाज आ सकता है अपने स्टडी लाइफ को लेकर। किसी न्यू कॉलेज में, किसी न्यू स्कूल में आप लोग एडमिशन के लिए कोशिश कर सकते हो या फिर कुछ न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकता है। ओके सो जो भी हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। आप इस टाइम पर इस आइडिया को काम में लगा के अगर एक्शन लेते हो तो ये आपको सक्सेस तक ले जाती हुई दिख रही है मुझे। ओके सो यहाँ पर है द फूल, आप देख सकते हो ये जो फूल का कार्ड है ये नवंबर मंथ का कार्ड है। तो ये जो क्लैरिफाई हुआ है ये भी नवंबर मंथ के लिए हुआ है। सो अक्टूबर मंथ ये है नवंबर, ये है दिसंबर। ओके सो ये जो नवंबर मंथ का कार्ड है द फूल, ये एक न्यू स्टार्ट को दर्शा रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स को दर्शा रहा है। कोई एक न्यू साइकिल ओपन होने वाला है आपके लाइफ में जो कि मेजर होगा। यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं ये सब मेजर हैं आपके लाइफ में। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। सो आपके दिल में बहुत ज़्यादा पावर बिल्डअप होती हुई दिख रही है। आप यहाँ पर इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो। आप अगर इमोशनल होती भी हो तो आप खुशी से इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। ओके आपके मन में थोड़ी सी भी सैडनेस यहाँ पर नहीं दिख रही है। आप यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो। आप जो भी करोगे, जो भी सोचोगे नवंबर मंथ में, आप अपने दिल से करने वाले हो, दिल से सोचने वाले हो। और ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, ये एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करता है। जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में मेजर होगा, जिस अपॉर्चुनिटी को पाकर, जिस ऑफर को पाकर आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा, आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर खुश होते हुए दिख रहे हो। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्वीन है। सो आप खुद को एक क्वीन या फिर एक किंग की तरह ट्रीट करने वाले हो। आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए भी दिख रहे हो इस टाइम पर। ओके सो यहाँ पर है नाइट ऑफ वंड्स। सो नवंबर मंथ में इस न्यू स्टार्ट के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा करेज रहेगा, बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी आपके चेहरे पर। और आप कहीं पर अपने घर से दूर कहीं पर घूमने जा सकते हो। ओके आप अकेला जा सकते हो या फिर कोई फैमिली ट्रिप पे भी जा सकते हो या फिर अपने काम के सिलसिले में भी बाहर जा सकते हो। आप बिजनेस के लिए भी जा सकते हो। सब कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर आपके घर से दूर कहीं पर घूमने जाने वाले हो नवंबर मंथ में। ओके सो ये जो न्यू स्टार्ट है इसके लिए आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर रहे हैं। इसके लिए आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जिससे आप खुद को ढूंढ पाओगे, आप अपने खुशी को ढूंढ पाओगे। ओके सो चलिए देख लेते हैं दिसंबर मंथ में आपके लाइफ में मेजर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेंस है। सो दिसंबर मंथ में अगर आपको ऐसा लगता भी है कि मैं होप लूज कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, मेरा कुछ लॉस हो रहा है, सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। टेम्परेंस का जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर शिव शक्ति का कार्ड है। ओके सो इस टाइम पर आपको कोई प्रपोजल भी मिल सकता है किसी पर्सन की तरफ से। और जिस भी पर्सन की तरफ से ये प्रपोजल आपको मिलेगा, ये पर्सन आपके ट्वाइन फ्लेम ज़रूर से ज़रूर होंगे। और यहाँ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वर्तमान में एग्जिस्ट करता है कुछ लोगों के लिए। ओके सो जो भी हो, जो भी सिचुएशन हो, जो कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, कोई भी लॉस यहाँ पर नहीं होने वाला है, कुछ भी आप लोग खोने नहीं वाले हो। ओके द टेम्परेंस का कार्ड यही कहता है। ओके सो यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हो। ओके जो आपका है वो आपका ही रहेगा। आप अपने लव लाइफ से सोचो या फिर अपने करियर से, जो आपका है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है जितनी भी कोशिश कर ले। ओके और यहाँ से मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग लव लाइफ से ज़्यादा अपने करियर में ध्यान देने वाले हैं, अपने फ्यूचर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर होते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप
एक बिग अमाउंट ऑफ मनी आप सेव करने वाले हो। अगर आपको ऐसा लगता था, और एक बात बता दूँ, ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ये एक बैलेंस का भी कार्ड है। ओके, सो अगर आप बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, आप मनी को सेव नहीं कर पा रहे थे, तो आप फाइनली दिसंबर मंथ में एक बिग अमाउंट ऑफ मनी सेव करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो यहाँ पर है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लाइफ में दिसंबर मंथ में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, किस बात को आपको चूज करने से आपके लाइफ में बेटर चीज़ें होगा, आपका जो फ्यूचर है वो बेटर होगा। ये सिचुएशन आपके खुद के लिए ही क्रिएट होगा, क्योंकि आप देख सकते हो आपका जो हाथ है वो खुला हुआ है। सो आप अपने आँखों से ये पट्टी आसानी से हटा सकते हो, आप रियलिटी को देख सकते हो, पर आप खुद से ही रियलिटी को नहीं देखना चाहते हो। आप इस दोनों सिचुएशन के बीच में या फिर दोनों पर्सन के बीच में ही खड़ा रहना चाहते हो। आपको किसी एक को चूज नहीं करना है, आपको किसी एक साइड में नहीं जाना है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पेन में रहोगे, सैड रहोगे, थोड़ा सा दर्द भी होगा आपको, पर आप डिसीशन नहीं लेना चाहोगे। पर डिसीशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। ओके, किसी एक साइड को या फिर किसी एक पर्सन को, किसी एक चीज़ को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, और किसी एक पाथ को आपको चूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं एंजल मैसेज। और ये जो एंजल मैसेज हैं ये हर एक मंथ के लिए मैं एक एक करके दूंगी। इससे क्या होगा, आपको हर एक सिचुएशन से डील करना आसान हो जाएगा। ओके, अगर आप एंजल मैसेज को फॉलो करते हो तो आप हर एक सिचुएशन से आसानी से बाहर आ सकते हो। ओके, यहाँ पर नवंबर मंथ में आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है, सिचुएशन के साथ साथ चलना है, टाइम के साथ साथ चलना है, किसी भी सिचुएशन को रोक टोक नहीं लगाना है। और पानी में जैसे एक पत्ता बह जाता है पानी के बहाव से, आपको सिचुएशन के साथ साथ टाइम के साथ साथ वैसे ही बहते जाना है। ओके, सो इसके थ्रू ही आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है मुझे। तो चलिए देख लेते हैं अक्टूबर मंथ के लिए एक एंजल मैसेज। आपको अगर कुछ पूछना है एंजल से तो आप पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। इसके अलावा आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी सही होगा एंजल वो मैसेज यहाँ पर दे देंगे। सो यहाँ पर है मूव। सो एंजल्स आपको यहाँ से बताना चाहते हैं कि आपको मूव करना होगा सिचुएशन से। अगर आप मूव नहीं करोगे, आप अगर पुराने ख्यालात में जीते रहोगे, आप अगर पुराने चीज़ों को लेकर सोचते रहोगे, तो आप नए चीज़ें की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। आपको ओल्ड को बाय बाय करना होगा और न्यू थिंग्स को अपनाना होगा। ओके, अगर आप पुरानी चीज़ें अपने अंदर रखोगे, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज, जो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आने वाला है, उसका आप स्वागत नहीं कर पाओगे। ओके, सो जो न्यू चीज़ें आपके लाइफ में आने वाला है, जो न्यू चीज़ें आपके लाइफ में होने वाला है, उसके लिए आपको रेडी होना होगा और आपको एक्सेप्टिंग मोड में रहना है। ओके, ताकि जो भी अच्छा कुछ आपके लाइफ में आ रहा है वो आप रिसीव कर पाओ। तो चलिए देख लेते हैं नवंबर मंथ के लिए आपके लिए एंजल मैसेज। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। इसके अलावा आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी सही लगे एंजल को, सो वो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। विजुअलाइज सक्सेस। सो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप सक्सेस को विजुअलाइज करो। ओके, आप जिन्हें भी मानते हो उन पे आप थोड़ा सा विश्वास रखो, आप खुद पर थोड़ा सा विश्वास रखो, आउटकम जो है वो पॉजिटिव आएगा। आप बस अपना जो काम है वो करते जाओ, आप आउटकम के लिए ना सोचे, आउटकम पॉजिटिव ज़रूर से ज़रूर आएगा। ओके, तो और सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं दिसंबर मंथ के लिए एंजल मैसेज। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। इसके अलावा आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी सही लगे एंजल को वो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी पॉजिटिव अबाउट ऑल थिंग्स। मतलब आपको
एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपको सब कुछ पॉजिटिव वे में देखना है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिविटी में नहीं रहना है। आपके लाइफ में जो भी होने वाला है वो सब कुछ पॉजिटिव होगा, आपके अच्छे के लिए ही होगा, आपके भलाई के लिए ही होगा। ओके, सो आप ऑनेस्ट रहो और पॉजिटिव रहो सभी चीज़ों को लेकर। ओके, मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अगर खुशी को अट्रैक्ट करना है, सब कुछ अच्छा अच्छा चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, सो आपको इसके लिए पॉजिटिव ज़रूर से ज़रूर रहना पड़ेगा। ओके, सो आपके जो आने वाले 3 मंथ्स हैं उसमें बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं आपके लिए। एक मेजर विश, आपका एक मेजर विश यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे, और आप कुछ भी नहीं लॉस करने वाले हो। ओके, सो बहुत सारे अच्छे अच्छे मेजर चीज़ें आपके लाइफ में होने वाले हैं अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ में। ये जो टेम्परेंस हैं इससे मुझे लग रहा है कि अभी मुझे लगा, ओके, एक वाइब्स आया मुझे, सो मैं बता देती हूँ। तो बहुत सारे लोगों की दिसंबर मंथ में शादी भी तय हो सकती है। ओके, और ये जो शादी है ये बहुत ज़्यादा धूमधाम से होगी और ट्रेडिशनली फुलफिल की जाएगी। ओके, सो बाय।